लुधियाना के छावनी मोहल्ला स्थित दमोरिया पुल के निकट बीती रात एक युवक को उसके साथी द्वारा बीच सड़क पर पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। इसने बाद में सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। एसपी नॉर्थ लखवीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान बिहार के दरभंगा निवासी रंजीत राणा के रूप में हुई है। वहीं आरोपी यूपी के गोंडा का रहने वाला करमचंद है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह जी लंघी रात एक व्यक्ति दमोरिया पुल को सड़क के उत्ते डिग्गया होया एम्बूलेंस 108 नु मिलया सीगा। एम्बूलेंस वाले ने उन्हें चक के सिविल हॉस्पिटल दाखिल कराता जिसकी सवेरे सीरियस सीगा जिसकी सवेरे डेथ हो गई। हॉस्पिटल तो थाना सलीम टावरी इतलाह दित्ती ते जदों आईओ साडा हॉस्पिटल गया इंस्पैक्टर विजय कुमार ते उहदी जिहड़ी सट्टां सी उह सानूं एक्सीडेंट वालियां नहीं लगियां शक्की लगियां। उस तों बाद असीं मैं खुद टीम लैके मौके ते गया। मौका तो आला दुआला सारा चैक कीता सर्च कीती कैमरे चैक कीते कैमरिया तो फिर सानू एक कैमरे तो थोड़ा इंडीकेट होया भी बंदे लड़ रहे ने ते मुंह ते सट मारदा दूजा बंदा थले डिगदा ते उस बंदे दी शनाख्त कर लीए ते उहनू जल्दी असीं गिरफ्तार कर लांगे। मुकदमा 302 IPC दर्ज कर रहे। रणजीत सिंह राणा ए मूल रूप च दरभंगा दा रहण वाला बिहार दरभंगा दा ते इह हौजरी ते कम करदा सी।